डॉक्टर, हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी एग्जैक्टली क्या चीज़ है? बहुत बरसों से यूट्रस के अंदर देखने का कोई रास्ता नहीं था। एक्सरे से या सोनोग्राफी से एक अंदाज होता था, मैं एग्जैक्टली यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है मालूम करने का कोई रास्ता नहीं था। अब फाइनली हिस्ट्रोस्कोपी एक ऐसा टेक्निक है जिससे यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर क्या हो रहा है उसका एग्जैक्ट हमें अंदाजा हो सकता है। यू कैन एक्चुअली व्यू इट एग्जैक्टली। तो एक बारीक ट्यूब आती है हिस्ट्रोस्कोप, जिसके स्पेशल लाइट सिस्टम है जो कि यूट्रस के अंदर तक पहुँच सकता है। और यूट्रस जो है एक कोलैप्स्ड ऑर्गन है, मतलब उसमें कोई जगह नहीं रहती है, तो अंदर देखना मुश्किल होता है। मगर हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा उसमें एक पानी भरा जाता है, फ्लूइड भरा जाता है, तो यूट्रस जो है वो ओपन हो जाता है, उसके अंदर जगह हो जाती है। एंड देन कैमरा के द्वारा उसके अंदर पूरा जो विजुअलाइजेशन है, अंदर क्या है, देखा जा सकता है। तो पहले खाली डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी हुआ करता था, मतलब खाली हम लोग अंदर डाल के देख सकते थे। मगर अभी तो हम लोग काफ़ी एडवांस्ड ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं, मतलब कि काफ़ी प्रकार के अलग अलग ऑपरेशन यूट्रस के अंदर ये हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा कर रहे हैं। ओके सो यानी डायग्नोज भी कर सकते हैं प्रॉब्लम को और उसी का सोल्यूशन भी हिस्ट्रोस्कोपी। एब्सोल्युटली, सेम टाइम पे चेकिंग करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम मिला तो सेम सिटिंग में वही टाइम पे उसकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा। और ये मतलब जिन महिलाओं को बहुत हैवी ब्लीडिंग महसूस होता है तो क्या उसके लिए भी हिस्ट्रोस्कोपिक हेल्प कर सकता है? येस डेफिनेटली, हिस्ट्रोस्कोपी के बहुत आजकल रीजंस हो गए हैं हिस्ट्रोस्कोपी करने के लिए। अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं होती है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, या टेस्ट ट्यूब बेबी करने वाली है, उसके पहले यूट्रस को चेक करने के लिए हिस्ट्रोस्कोपी की जाती है। जिन लोगों को हैवी ब्लीडिंग होता है, कम ब्लीडिंग होता है, अबनॉर्मल कुछ प्रॉब्लम चालू है ब्लीडिंग का, उन सब पेशेंट्स के लिए हिस्ट्रोस्कोपी ही एक्चुअली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में काम आती है। तो आपने हैवी ब्लीडिंग के बारे में पूछा था, इट इज़ अ वेरी कॉमन रीजन फॉर हिस्ट्रोस्कोपी और ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जैसा मैंने मेंशन किया है प्रीवियस एपिसोड में, सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स, मतलब यूट्रस के अंदर जो फाइब्रॉइड या गांठ होती है जो बच्चेदानी के अंदर की तरफ में होते हैं, वो उनकी वजह से बहुत से पेशेंट्स में हैवी ब्लीडिंग होता है। तो हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा ये बारीक दूरबीन जो है बच्चेदानी के अंदर, बच्चेदानी के मुँह के अंदर से डाली जाती है, तो मतलब पेशेंट को कोई टाका नहीं आता है, कुछ कट नहीं आता है, अंदर से अंदर दूरबीन हम लोग बच्चेदानी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। और अगर वहाँ पे हमें कुछ फाइब्रॉइड दिखता है या पॉलिप दिखता है तो हम वही समय उसको या तो शेव कर सकते हैं, लिटरली पीस बाय पीस उसकी शेविंग की जा सकती है, जैसे कि एक स्पेशल मशीन आती है रिसेक्टोस्कोप करके, उसके द्वारा। तो इसमें हम यूट्रस को एक लिक्विड, स्पेशल लिक्विड आता है ग्लाइसिन, उससे उसको जरा फुला देते हैं यूट्रस को, और फिर रिसेक्टोस्कोप द्वारा उसको फाइब्रॉइड को शेव कर सकते हैं। मगर ऐसे करने में कभी कभी वो ग्लाइसिन जो है बॉडी में ज़्यादा चला जाता था और उसमें कभी कभी प्रॉब्लम्स हो सकते थे। तो इसलिए और न्यू टेक्नोलॉजीज़ हम लेके आए हैं अभी, जिसमें ग्लाइसिन डालने की ही ज़रूरत नहीं पड़ती, सादा सेलाइन का पानी जो होता है वो डाल सकते हैं, बाइपोलर रिसेक्टोस्कोपी कर सकते हैं। और एक नया और टेक्निक आया है जिसे वर्सा पॉइंट बोलते हैं। तो वर्सा पॉइंट में जैसा बारीक लेज़र होता है उसके साथ वो यूट्रस को पूरी तरह से वेपराइज कर सकते हैं, उसको एकदम समझो डिसअपियर वो लेज़र के साथ हम लोग करवा सकते हैं। ये एक टेक्निक है फाइब्रॉइड्स के लिए। मगर अगर पेशेंट को फाइब्रॉइड्स नहीं है मगर तो भी हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो भी हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा पूरा जो अंदर का लाइनिंग है यूट्रस का उसको हम लोग शेव कर सकते हैं, उसको TCRE बोलते हैं, ट्रांसवाइकल रिसेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो उसके द्वारा जो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है कम्प्लीटली हम लोग बंद कर सकते हैं। मगर एक परमानेंट सोल्यूशन है, वापस वो जो लाइनिंग है वापस बढ़ेगी नहीं, परमानेंटली ब्लीडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके एंड जिनको स्कैंजी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी क्या हिस्ट्रोस्कोपी काम आता है? या उन केसेस में भी हिस्ट्रोस्कोपी काम आएगा, क्योंकि पेशेंट काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है कि अगर हार्डली हाफ अ डे या एक दिन या थोड़ा खाली ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रहा है, ज़्यादा पीरियड नहीं फ्लो हो रहा है, तो पेशेंट डिस्टर्ब हो जाती है कि कारण क्या है इसका। कभी कभी तो हमें कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम मिल जाता है, मगर अगर कुछ कारण नहीं मालूम पड़े तो हम लोग बारीक दूरबीन, आजकल हिस्ट्रोस्कोपी में भी स्पेशल टेक्निक आता है ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी करके, जिसमें जैसा नाम सजेस्ट करता है ऑफिस में ही वो की जा सकती है। मतलब पेशेंट को बेहोश करने की भी ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत नहीं है, एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हिस्ट्रोस्कोप इतना बारीक है, मतलब पेंसिल से भी ज्यादा बारीक है, हार्डली 3 या 4 मिलीमीटर उसका साइज है, तो वो डायरेक्टली बच्चेदानी के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिना किसी पेन के, और हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या कारण है
कि वो पेशेंट को समझो कम ब्लीडिंग हो रहा है। बहुत से टाइम हम फाइंड आउट करते हैं हमारी कंट्री में टीबी का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और यूट्रस के अंदर ही अंदर टीबी हो रहा है, पेशेंट को मालूम नहीं पड़ रहा और उसकी वजह से पूरा अंदर डैमेज हो गया और ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो दैट वी कैन डायग्नोज, छोटा बायोप्सी ले सकते हैं, टीबी का स्पेशल टेस्ट करवा सकते हैं। कभी कभी किसी इन्फेक्शन की वजह से या अगर पेशेंट ने अबॉर्शन करवाया हो पहले, क्यूरेटिंग करवाया हो, उसकी वजह से अंदर पूरा यूट्रस के अंदर का भाग चिकट जाता है, एकदम स्टकअप हो जाता है, तो वो जो है एडिशंस हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा खोल सकते हैं। तो सीजर के साथ, लेज़र के साथ वो धीरे धीरे हम लोग पूरी जो जगह है जो चिकट गई है वो ओपन कर देते हैं और वापस पूरी एक न्यू सॉर्ट ऑफ ओपनिंग तैयार कर देते हैं बच्चेदानी के अंदर, सो दैट द ब्लड फ्लो, ब्लीडिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है ऐसे केसेस में। एंड डॉक्टर, जिन लोगों को जो कपल्स कंसीव नहीं कर पा रहे तो क्या इस प्रॉब्लम को भी हिस्ट्रोस्कोपी सॉल्व कर सकता है? बहुत इनफर्टिलिटी केसेस, आई वुड से ऑलमोस्ट ऑल इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में हिस्ट्रोस्कोपी करने की ज़रूरत लगती है, क्योंकि पहले तो डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि यूट्रस के अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि बच्चा उसमें बैठ नहीं सक रहा है, कुछ बीमारी है, टीबी है, कुछ इन्फेक्शन है, अंदर एडिशंस है, मतलब सब चिकटा हुआ है या कुछ फाइब्रॉइड है, वो सब डायग्नोसिस करने के लिए। बहुत से टाइम जन्म का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि सेप्टम है, बच्चेदानी के अंदर एक पर्दा टाइप होता है, वो हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं और ऑफ कोर्स साथ साथ में उसकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो फॉर सेप्टम हार्डली आधे घंटे का काम है, जो पर्दा है यूट्रस के अंदर हम लोग हिस्ट्रोस्कोप डाल के सीजर के द्वारा या वर्सा पॉइंट के द्वारा उसको इमिजिएटली कट कर सकते हैं। तो जो पेशेंट्स को प्रेगनेंसी नहीं रुक रही थी या रुकने के बाद वापस अबॉर्शंस हो रहे थे, कभी 2 महीने पे 3 महीने पे अबॉर्शंस हो रहे थे, तो उनका प्रॉब्लम हम लोग इमिजिएटली सॉल्व कर सकते हैं हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा। एक और स्पेशल उसकी यूज़ है, जिन लोगों को ट्यूब्स ब्लॉक्ड होती है, जहाँ से ट्यूब शुरुआत होती है यूट्रस से, वहाँ अगर ट्यूब ब्लॉक होती है तो हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा हम लोग वायर डाल के वो ट्यूब को ओपन कर सकते हैं, हिस्ट्रोस्कोपिक कैन्यूलेशन। तो कोई कोई केसेस में ट्यूबल ब्लॉक के केसेस में उनको ट्यूब्स को ओपन कर सकते हैं। एंड डॉक्टर, जाने से पहले आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे तो? या आई'd लाइक टू से कि बहुत न्यू टेक्निक्स आई हैं, शायद आपको उनके बारे में जानकारी भी नहीं है, मगर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो, ब्लीडिंग के, इनफर्टिलिटी के, कुछ भी एबनॉर्मल हो रहा हो, तो आप ज़रूर गायनेकोलॉजी से सलाह लीजिए। और हिस्ट्रोस्कोपी जैसे टेक्निक से बहुत से यूट्रस के अंदर के प्रॉब्लम्स हम लोग डायग्नोज भी कर सकते हैं और वही समय पर ट्रीट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो डॉक्टर। थैंक यू।